नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं, भारत में राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों को विदेशों से चंदा लेने की छूट कितनी सही है। आखिर भारत में राजनीति करने वाले दलों को विदेशों में ऐसे कौन धन कुबेर बैठे हैं जो चंदा देते हैं भारत के हित के लिए देते हैं? क्या चंदा देने वाला उदाहरण के लिए जैसे केजरीवाल अभी आखाती देशों में गए हैं, गल्फ कंट्रीज में गए हैं, वहां का कोई शेख अगर भारत के राजनीतिक दल को पैसे देगा तो भारत के हित के लिए देगा या उसके हितों को साधने के लिए देगा? भारत में तमाम ऐसे राजनीतिक दल है जो विदेशों से चंदा इकट्ठा करने पर आमदा है और उनके इस चंदे के पूरे खेल को हिंदुस्तान ने समझना चाहिए। इसके लिए आज का बिंदास हम आपके सामने लेकर आए हैं। हम आशा करते हैं कि अगले एक घंटे तक हम इस पर इतना चिंतन मंथन करेंगे कि हिंदुस्तान को इस विषय पर सोचने को मजबूर करेंगे कि विदेश से आने वाला पैसा भारत के हित में नहीं बल्कि अहित में ही आता है। कैसे, उदाहरण के साथ भी बताएंगे, लेकिन पहले मुद्दे को देखते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 28 सीटें जीतकर देश की राजधानी दिल्ली में 49 दिनों की सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से डिनर डिप्लोमेसी के जरिए पार्टी के लिए फंड जुटाने में लग गए हैं। मुंबई के बाद केजरीवाल की नजर पिछले विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी विदेशों से आने वाले फंड पर है। आपको उम्मीद है कि इस चुनाव के लिए पार्टी को US, UK और सिंगापुर जैसे देशों में रहने वाले समर्थकों से भारी फंड मिलेगा। यही सोचकर आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपना निशाना दुबई और न्यूयॉर्क को बनाया है। आपने डिनर डिप्लोमेसी की आड़ में विदेशों से 10 करोड़ की फंडिंग का लक्ष्य रखा है। जी हां, सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये अनुमान है कि पार्टी इस बार विदेशों में रहने वाले आप समर्थकों से 10 करोड़ रुपए जुटाएगी। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में आपकी 18 सीटों के चुनावी खर्च को US में बसे भारतीयों ने गोद लिया था। वहीं सबसे ज्यादा फंड भी US के समर्थकों से ही मिला था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि US यूनिट को पार्टी की ओर से करीब 7 करोड़ रुपए फंड जुटाने को कहा है। वहीं सिंगापुर यूनिट को 4 करोड़, हांगकांग को 3 करोड़, UK और मध्य पूर्व के देशों से 2 करोड़ रुपए तक एकत्र करने को कहा गया है। आपको बता दें कि पार्टी ने दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 40 करोड़ का लक्ष्य रखा है। पार्टी अभी तक महज 2 करोड़ रुपए ही जुटा पाई है। 27 नवंबर को मुंबई में हुए डिनर विद केजरीवाल में पार्टी 93 लाख रुपए जुटा पाई। वहीं अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो आपने चुनाव लड़ने के लिए 2013 में 20 करोड़ जुटाए थे, लेकिन पार्टी ने इस बार 40 करोड़ का लक्ष्य रखा है। अब देखना होगा कि पार्टी का डिनर विद केजरीवाल का वार कितना निशाने पर लगता है। साथ ही क्या केजरीवाल का विदेशी पैसे से देश में राजनीति करना सही है? खुद को आम आदमी पार्टी बताने वाली आप क्या खास होती जा रही है? क्या अब आप में आम की जगह खास दिखेंगे? क्योंकि 20,000 की थाली आम आदमी के बजट से कोसों दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और ऐसा नहीं कि चंदा केवल आप ही लेती है, लेकिन आप इस चंदे को इतना ग्लैमराइज कर रही है कि जैसे मानो ये कुबेर के पास से आने वाला कोई लक्ष्मी का धन है। हम इस विषय पर आपत्ति जताते हुए इस कार्यक्रम को इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि केजरीवाल के पार्टी को भले ही सीधे ना हो, लेकिन उनके NGOs को फोर्ड फाउंडेशन के पैसे आते रहे हैं और इनके ऊपर तमाम रास्ते से पैसे पहुंचाने का आरोप लगा है। केवल 10 करोड़ कोई अमाउंट नहीं है राजनीतिक दल के लिए, खास करके वो दल जो एक विचार को लेकर एक देश में संघर्ष कर रहा हो। और कोई विदेशी कंपनियों के लिए 10 करोड़ तो कुछ अमाउंट है ही नहीं। 10 करोड़ क्या केवल दिखाने की अमाउंट है? क्या भारत में अन्य मार्गों से भी पैसा आता है? ऐसे तमाम कई विषय हम उदाहरण के साथ आपके सामने रखेंगे, तर्कों के साथ रखेंगे, कुछ साक्ष्य भी देंगे, लेकिन आपकी बात को सबसे ज्यादा तवज्जो देते हुए आपको प्रतिक्रिया देने के लिए कहेंगे। टेलीफोन लाइन खुल चुकी है, स्काइप पर भी आप कॉल करके अपनी बात को कह सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद।
बोलिए क्या कहना है आपको। नमस्कार। नमस्कार सर, जो मेरा ये कह रहा था कि केजरीवाल जी के बारे में जो कहा जा रहा है, जिस तरह से देखा जा रहा है केजरीवाल जी को, मैं समझता हूँ सर कि उनकी जज्बात को शायद हमारे देश के लोगों ने, खास करके दिल्ली के लोगों ने समझ नहीं पाए लोग। और अगर बाय द वे हमारे यहाँ से दिल्ली के लोग या देश के लोग अगर उनकी बात को अगर समझ पाते, उनकी दिल की जो भावनाएं हैं उनको अगर उसको अगर समझ पाते, तो शायद उनको विदेश जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी, मैं नमस्कार, मैं बालाघाट मलाजखंड से बोल रहा हूँ। हाँ। हमारे अरविंद भैया को पैसे की इतनी क्या कमी पड़ गई जो विदेश से चंदा मांग रहे हैं, क्योंकि हमारे भारत के पैसे से कम एक बार कम से कम ये तो अजमा के देखे कि भारत के पैसे में कितना दम है। कम पैसा जरूर है लेकिन दम है। धन्यवाद। विदेशी चंदा भारत में क्या राजनीतिक गुल खिला सकता है, इसके तमाम उदाहरण है, उस पर भी जाएंगे, लेकिन पहले कॉलर। जय हिंद। हेलो, मैं बोल रहा हूँ कि आज जब ये सारे नेता साध्वी के बारे में इतना बोल रहे हैं, तो सुरेश भाई जब उसके ओवेंसी के बारे में इतना कर रहे थे, तब ये साले भांड कहाँ गए थे साले सभी। मैं इस बारे में भी बोलना चाह रहा हूँ। चलिए धन्यवाद। आज उस विषय पे नहीं जाएंगे, आज विषय है विदेशी चंदे से भारत में राजनीति कितनी सही। कॉलर जहन। केजरीवाल है कि वैसे तो हर जगह घूमते रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन इनको ये लगना चाहिए ना, आप कर क्या रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। अरे देश के बचाने के लिए काम करो ना आप, ये देश को मिटाने के लिए काम कर रहे हैं आप, यहाँ क्या कर रहे हैं आप। यहाँ से भागे हो, वहां चले गए वाराणसी में चले गए, वहां से भागे फिर दिल्ली आ गए, दिल्ली से भागे अब दुबई जा रहे हैं और वो अमेरिका जा रहे हैं। ये क्या है इसका सिस्टम यार। केजरीवाल को लोगों के सवालों के जवाब और लोगों के जितने भी मन में ऐसे सवाल है उसके जवाब देने होंगे, क्योंकि जब आप राजनीति में आते हैं तो लोगों को सवाल पूछने का हक है और आपको उसका जवाब देने आपका कर्तव्य है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जी बोलिए। जय हिंद सुरेश जी, मैं आकाश चौधरी बोल रहा हूँ रुद्रपुर से। हाँ, मेरा एक सिंपल सी बात कहना चाहूंगा कि आम जनजीवन में भी आदमी जो है अगर किसी से पैसे ले लेता है तो वो अपने खाट बाट छोड़ देता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। 20,000 रुपए की थाली खा करके खिला करके विजिटर उसके बिजनेस क्लास में अरविंद केजरीवाल जी जाते हैं तो ये आम आदमी को चुभता है। विदेशों से वो पैसा तो मांग सकते हैं लेकिन वोट जो है भारत से ही मांगनी पड़ेगी, देश से। ये बात उनको समझनी चाहिए, अन्यथा ये दांव उसका फेल हो जाएगा। धन्यवाद। सीमा गुप्ता फेसबुक पर लिखती है कि मोदी ने सत्ता में आते ही अपने मंत्री और सांसदों के बिजनेस क्लास का सफर को बंद कर दिया और सब लोग अभी इकोनॉमी क्लास में सफर कर रहे, और केजरीवाल तो विपक्ष में होते हुए भी बिजनेस क्लास में लोगों के चंदे से, वो भी खाने के चंदे से सफर कर रहे हैं। आप भी अपनी जो प्रतिक्रिया फेसबुक पर देंगे उसे हम स्क्रीन पर दिखाएंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ सर, ये केजरीवाल को दिल्ली वालों ने समझ नहीं पाया, ये बहुत ठग है, ठग तरह का इंसान है। 49 दिन में ही दिल्ली वालों को धोखा दिया और विदेशी फंड जुटा करके ये चाह रहे हैं कि आम देश में दिल्ली में राजनीति करे, ये बहुत ही गलत है और इसका जवाब दिल्ली की जनता देगी और इनको बिल्कुल सरकार में आने नहीं देगी। ये बहुत गलत तरीके से पैसे जुटाते हैं, देश में दो लोगों को बेवकूफ बनाया, सीएम से छोड़ करके इनको पीएम का ख्वाब था, जो कि जनता ने इनको सबक सिखाया और आगे भी सबक सिखाएगी, इनको सबक मिलेगा और दिल्ली में ये कभी भी राजनीति नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। हम आपको एक ग्राफिक के द्वारा दिखाना भी चाहते हैं कि क्या चंदे के बारे में चुनाव आयोग के क्या नियम हैं, और ये स्क्रीन पर चलता रहेगा, साथ साथ में हम कॉलर को भी लेते रहेंगे। आप इस जो ग्राफिक आपके सामने स्क्रीन पर आया है उसको भी पढ़ते चलिए। अपने तर्कों को आप अगर कॉल के द्वारा हम तक नहीं पहुँचा सकते तो आप सोशल मीडिया के द्वारा भी पहुँचा सकते। कॉलर जय हिंद। बोलिए। हाँ जय हिंद। हाँ हाँ, अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये केजरीवाल है ये बाहर से पैसा लेके वो लोग अपने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भारत में पैसा भेजते हैं, ये आदमी को अक्कल होनी चाहिए कि ये पैसा लेके यहाँ पे क्या करने वाला है, ये दिखाना क्या चाहता है। हेलो। बिल्कुल। धन्यवाद।
हम स्क्रीन पर आपको बीच बीच में कॉलर के बीच में जो आंकड़े दिखा रहे हैं उसमें राजनीतिक दलों को सीटों के आधार पर कुल सीटों से दिल्ली की जोड़ी जाए तो कितने रुपए खर्च करने चाहिए वो आंकड़े भी दिए हैं, लेकिन वास्तव में इसके कितने हजार गुना कह रहा हूं मैं खर्च होता है, और इसीलिए ये एक और दो नंबर में जुटाया जाता है। ऐसा नहीं कि सारे राजनीतिक दल केवल एक नंबर में लेते हैं, बहुतांशी सारे राजनीतिक दल दो नंबर में पैसे लेते हैं, लेकिन भारत के किसी व्यापारी से लिया हुआ पैसा और विदेश के किसी व्यक्ति से लिया हुआ पैसा, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि विदेश से होने वाला प्रभाव देश का ज्यादा नुकसान कर सकता है। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, हाँ मैं अभिषेक बोल रहा हूँ बैंगलोर से। हाँ सर, आपका मुद्दा बहुत अच्छा है, पर आपने एक बात बोला है कि इसमें केजरीवाल जी शेख से पैसा ले रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, हमारे जो भारतीय जो विदेशों में रहते हैं जिनके पास पासपोर्ट होता है वही पैसे देते हैं, और उसी को भारत के कानून के हिसाब से वही पैसे दे सकते हैं और वही पैसे वो लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए इसके तथ्य कुछ रखना चाहूंगा। अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। आपकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर आपको आपका पासबुक का डिटेल, पासपोर्ट का डिटेल अटैच किए बगैर आपका पेमेंट लिंक ऑन होता है, ये जब आरोप लगाया गया उसके बाद भी उस पर उन्होंने समय में कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने पासपोर्ट डिटेल दिए बगैर या उसको वेरीफाई करे बगैर आपके अकाउंट में पैसे डालता है तो आप लेते हैं, एक बात। दूसरा, राजनीति में इन्फ्लुएंस के लिए सारे पैसे एक नंबर में सामने दिए जाते, ऐसा नहीं है, बल्कि खाना खिलाने वाले सारे लोग पैसे नहीं देते, उनका पैसे देने वाला दूसरा कोई होता है, ये भी उदाहरण सामने आए हैं। और बल्कि विदेशों से आने वाले पैसे भारतीय व्यक्तियों के नाम से दिए जाने के आरोप लगे हैं। भारत में आने वाले पैसे विदेशी कंपनियों के द्वारा भारतीय टीवी चैनलों को ऐड के रूप में आने के भी उदाहरण हैं। इसलिए उस समय में जब सब भारत में चुनाव चल रहे थे या चुनाव आने के पहले का आंदोलन का माहौल चल रहा था, कुछ राजनीतिक दलों के फेवर में कुछ टीवी चैनल जो चल रहे थे वो इसलिए चल रहे थे क्योंकि उनको एडवर्टाइज देने वाली कंपनियों ने प्रीमियम अमाउंट दिया था, और वो प्रीमियम अमाउंट कुछ कुछ चैनलों का 200 गुना था। क्यों दिया गया? क्या एक अचानक किसी चैनल की टीआरपी डबल हो गई, उसको पैसे डबल किए, या वो किसी बैकडोर से किसी को मदद के लिए दे गए? ये भी आरोप आपने सुने होंगे, हम बस दोहरा रहे हैं। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि जो केजरीवाल जी हैं, अगर वो विदेश से भी अगर चंदा ले रहे हैं तो इसमें कुछ गलत तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जो भी है मुझे जनता के, जो दिल्ली की जनता है, उनके उनकी भलाई के लिए होना चाहिए। मेरा कहने का ये है, नहीं आप इसको इतना सिंपल भाषा में कह तो सकते हैं, लेकिन देश स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये बात आखिर सत्ता में आने के लिए किसी को जब कोई पैसा देता है तो रिटर्न में क्या चाहता है इससे जुड़ी हुई है, और जो आप रिटर्न में चाहते हो वो रिटर्न क्या जा रहा है? क्या कश्मीर को भारत से अलग करने का बयान जो प्रशांत भूषण ने दिया है ये रिटर्न नहीं है? क्या भारत के कुछ हिस्से में सशस्त्र सेना को ज्यादा अतिरिक्त अधिकार जो मिले हुए उस कानून को वापस लेने के लिए कहते हैं आप वाले, उससे जुड़े हुए नहीं है? क्या बाटला इनकाउंटर में जो भूमिका आपने लिया, कुछ राजनीतिक दलों ने ली है, उसके पीछे विदेशी चंदा नहीं है? ऐसे तमाम सवाल पिछले बार जो उठे थे उसको दोबारा जीवित इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली में जो चुनाव आए हैं, इस चुनाव में लोग इस चीज को भी ना भूले। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी सुरेश जी, नमस्कार। नमस्कार साहब जी, मैं राजेंद्र कुमार दिल्ली कैंट से बात कर रहा हूँ। हाँ साहब, ये बताइए कि ये केजरीवाल के पीछे सारी पार्टियां पड़ी हुई हैं और इतने दूसरी पार्टियां जो हैं इतने करोड़ों रुपए का चंदा लेती हैं, एक एक इलेक्शन में 10-10 करोड़ रुपया लगता है, अगर ये 2-4 करोड़ रुपया किसी से मांग लेते हैं तो उसमें उनको प्रॉब्लम क्या लगती है? आप दूसरी पार्टियों के बारे में बताइए इनको। मैं आप शायद कार्यक्रम को ठीक से सुन नहीं रहे, मैं तो सारे राजनीतिक दलों के बारे में कह रहा हूं कि किसी भी राजनीतिक दल को विदेश से चंदा लेके भारत में राजनीति नहीं करनी चाहिए। नहीं साहब जी, अगर जो चंदा लेते हैं 5-7-10 करोड़ रुपया, उससे क्या होता है पार्टियों में? कुछ नहीं होता। यही तो बात हम नहीं समझते ना। मेरी भी उम्र साहब, धन्यवाद। हम इसी बात को तो नहीं समझते कि ये पैसा इस प्रकार से नहीं आता है। भारत में इन पैसों के द्वारा राजनीतिक दलों की क्या क्या हरकतें होती है इन दलों को हम आसानी से नहीं समझ पाते, इसलिए तो बिंदास लेकर आए हैं। अन्यथा ये मुद्दा इतना आसान और सीधा होता तो आपके सामने एक घंटे का शो करने की आवश्यकता कदापि नहीं थी। जरा हम आपको दिखाते हैं
वो ओवरऑल जो कार्यक्रम है उसके बारे में। दिल्ली में 49 दिनों की सियासत करने वाले और दूसरे दलों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले अरविंद केजरीवाल मिशन दिल्ली को भुनाने में एक बार फिर से जुट गए हैं। केजरीवाल ये भली भांति जानते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए फंड की जरूरत होती है। यही सोचकर केजरीवाल ने डिनर विद केजरीवाल का आगाज किया और इसमें सफल भी हुए। आपने मुंबई में आयोजित डिनर पार्टी से 93 लाख रुपए जुटाए। अब केजरीवाल का रुख विदेशों की ओर है, क्योंकि पिछली विधानसभा चुनाव में जिस दिल्ली की जनता ने आपको अपने पलकों पर बिठा रखा था, वो इस बार आपसे खफा है, क्योंकि जनता आपके असली चेहरे से परिचित हो गई है। केजरी कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। यही वजह है कि इस बार दिल्ली चंदा देने के मामले में दूसरे नंबर पर है। दिल्ली की जनता का रुख देख केजरीवाल विदेशों से फंड जुटाने के लिए निकल पड़े हैं। केजरीवाल के अमेरिका और दुबई की यात्रा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी सवाल भी उठा रही है। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल फंड रेजिंग के लिए पार्टी सदस्य एच फुल्का एसके के साथ दुबई के लिए रवाना हो गए हैं। दुबई में अरविंद सबसे पहले अप्रवासी भारतीयों से मिलेंगे, उसके बाद शनिवार को वर्ल्ड ब्रांड समिट में हिस्सा लेंगे, जहां उन्हें युवा सोशल चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद शनिवार की शाम को न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे। केजरीवाल न्यूयॉर्क में रह रहे भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे। इसी दौरान NRI लोगों के साथ एक फंड रेजिंग डिनर का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस डिनर में शामिल होने वाले लोगों से न्यूनतम 5,000 से 10,000 डॉलर रुपए प्रति प्लेट के हिसाब से चंदा लिया जा सकता है। आपके इस डिनर डिप्लोमेसी पर बीजेपी ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि आपका सारा राजनीतिक अस्तित्व फोर्ड फाउंडेशन और विदेश से मिलने वाले चंदे पर ही टिका है, जिसे लेकर आप सफाई देने में जुटी है। ऐसे में यह देखना होगा कि विदेशों में आम आदमी पार्टी को फंड रेजिंग डिनर कितना कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। रुकते एक छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रहे के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने लेकर आए राजनीतिक दलों की विदेशी चंदे से होने वाली भारत के ऊपर क्या परिणाम हो सकते हैं, और भारत के राजनीतिक दलों को विदेशों से चंदा लेने के बारे में क्या नीति रखनी चाहिए। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 100 से ज्यादा ऐसे देश है दुनिया में जिन देशों में विदेशी पैसे के साथ राजनीति नहीं की जा सकती। और मैं केवल राजनीतिक चंदे की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि राजनीतिक दलों के नेताओं के जो पर्सनल ट्रस्ट है, उन ट्रस्ट में एनजीओ में आने वाले पैसे के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली मदद की भी बात कर रहा हूं। और विदेशी कंपनियां, विदेशी ट्रस्ट या विदेशी सरकारें अप्रत्यक्ष रूप से मीडिया को बैकडोर पैसा देके किसी दल को मदद करने के बारे में भी कह रहा हूं। ये सारा विदेश से आने वाला पैसा किसी भी देश का हित का हो नहीं सकता, इसलिए कई देशों में अगर इस विदेशी पैसे की बात आती है तो राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द होने से लेकर देशद्रोह का भी कानून उनके ऊपर लागू होने की बात तमाम देशों में है। भारत में क्यों नहीं है? क्या भारत में किसी राजनीतिक विचार के लिए भारत के लोग पैसे देने में कम पड़ते हैं? यही वो आप पार्टी है जिसको एक समय कहना पड़ा था कि अभी हमें चंदे की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा पैसा जिस देश ने इनको दिया था उनको अब बाहर जाने की जरूरत क्यों है? और ऐसे और कौन से दल है जिन दलों को यही फॉर्मूले के द्वारा पैसा आता है? कॉलर जहन बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था, हमारे अरविंद केजरीवाल जी जिस विभाग में रहे, हो सकता है काला धन उनको पता हो वहाँ हो, तो बाहर विदेश में इतना चंदा तो मिलता नहीं है, हो सकता है काला धन लेने जा रहे हो, मोदी जी तो ला नहीं पाए, हो सकता है जिस विभाग है। चलिए धन्यवाद, अगले कॉलर के पास चलते हैं। जहन बोलिए।
हाँ सर नमस्कार, मैं नगली बिहार एक्सटेंशन नजफगढ़ दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं, मेरा नाम मुरलीधर है। हाँ। आप अभी प्रोग्राम दिखा रहे हैं बिंदास बोल पर, तो मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे देश में मांगना तो उचित है, कोई चोरी करना और भ्रष्टाचार करना है तो ये तो ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो दुनिया भ्रष्टाचार करके और लीपापोती कर दे रही है और चोरी कर रही है, मगर मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब ये अरविंद केजरीवाल जी मांग ही तो रहे हैं, कोई चोरी और भ्रष्टाचार? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको फिर बता दूं कि राजनीतिक दलों ने चंदा नहीं लेना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। राजनीतिक दलों ने चंदा ही लेना चाहिए और बड़ा अमाउंट एक उद्योगपति से लेने के बजाय छोटे छोटे चंदे को ज्यादा से ज्यादा लोगों से लेना चाहिए, इसका मैं पक्षधर हूं। लोकतंत्र को जीवित रहने के लिए आम आदमी से पैसा लेकर राजनीतिक पार्टी चलाना ज्यादा फायदे का, देश हित का है, इसका भी मैं पक्षधर हूं। मेरा आरोप केवल एक है, वो है कि विदेश से पैसा भारत के राजनीति के लिए कितना सही। मैं खाने के द्वारा पैसे इकट्ठा करने के भी विरोधी नहीं हूं, हालांकि उसका क्या अमाउंट होना चाहिए वो बात चर्चा हो सकती है। चंदा जुटाने के तमाम उपाय हो सकते हैं, भारत के व्यक्ति से एक पैसे से लेके एक रुपए से लेके निर्धारित नैतिकता के आधार पर जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा लिया जा सकता है उतना लेना चाहिए, लेकिन विदेश से पैसा, इस विषय पर देश को सोचने की जरूरत है। कॉलर जय हिंद। हाँ ओके, जय हिंद सर। बोलिए। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हाँ सर, सर काले धन को लाना सर वो अच्छी बात है, लेकिन पब्लिक से पैसा लेना क्या जरूरत है? चलिए धन्यवाद, शायद आप बात को पूरी समझ नहीं पाए, अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी अपनी बात को नए तर्कों के साथ रखिए। जय हिंद। हेलो, बोलिए। नमस्कार सर, मैं शिशपाल हर्ष बिहार कादरा दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जो है, इसके साथ में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ये सब लोग हैं जिन्हें देश धर्म और संस्कृति का से बिल्कुल भी लगाव नहीं है। दूसरी बात, ये पहली बार काम नहीं है इनका विदेश में जाने का, सऊदी अरब जैसे देशों में ये अवसर पहले कितनी बार जा चुका है, और ये जितना भी पैसा आ रहा है सऊदी अरब से, ये सब जो है हमारे हिंदू धर्म को और संस्कृति को नष्ट करने के लिए आ रहा है। एक ऐसी ताकत यही खड़ी कर देने चाहते हैं वो लोग, जो इस देश को टुकड़े टुकड़े कर दे यहीं पे। तो ये लोग जो है सारे उद्दंड जो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये पैसा आ रहा भी, एक कॉलर ने बोला था कि क्या बुरा है, इन्हें यही नहीं पता कि वो हमारे हित के लिए पैसा देंगे कि जो अपने हित के लिए। बिल्कुल, एक आपको वीडियो दिखाते हैं, इस वीडियो को देखकर आप बताइए कि क्या ताकत है इस वीडियो के पीछे। कोई भारत के राजनीतिक दल का व्यक्ति ऐसी बात बोल कैसे सकता है कश्मीर के बारे में? प्रशांत भूषण, आपके सर्वश्रेष्ठ नेता, देखिए। के बल पर देश में रखना हमारे देश के लिए ही घातक होगा, देश की सारी जनता के लिए घातक होगा, सिर्फ वहाँ की जनता के लिए नहीं, पूरे देश की जनता के लिए जनहित में नहीं होगा। इसलिए मेरी राय ये है कि हालात वहाँ नॉर्मलाइज करने चाहिए, आर्मी को वहाँ से हटाना चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को खत्म करना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि वहाँ की जनता हमारे साथ आए। अगर उसके बाद भी हमारे साथ नहीं है, अगर वो जनता वहाँ की ये चाहती है कि भाई हम अलग होना चाहते हैं, तो मेरी राय ये है कि वहाँ पर प्लेबिसाइट कराकर अगर वो अलग होना चाहते हैं तो उनको अलग होने देना चाहिए। क्या प्रेरणा है इस संबोधन के पीछे? क्या कारण है कि भारत के राजनीतिक दल का एक नेता ये कहता है कि कश्मीर की जनता अगर हिंदुस्तान से अलग होना चाहती है तो उनको अलग होने दो? ये वो क्यों नहीं कहता कि हम खून का कतरा कतरा बहाएंगे लेकिन कश्मीर को हमसे अलग नहीं होने देंगे? ये वकालत, पैसे लेकर, फीस लेकर कोर्ट के सामने दलीलें देना, और राजनीतिक दल के व्यक्ति ने स्टेटमेंट देके कश्मीर एक देश के अविभाज्य अंग को या किसी भी एक सेंटीमीटर जमीन नहीं देंगे। हालांकि इसकी बात से क्या देंगे वो बात और है, लेकिन ये बातें क्यों आती है? क्या प्रेरणा है? क्या विदेशी चंदा इसका इफेक्ट नहीं है? क्या ये आरोप नहीं लगाए जा सकते? क्या ये आरोप इन वीडियो के बाद सही साबित नहीं होते कि आखिर दूसरे देश की इच्छा भारत का कोई नेता कैसे बोल के दिखाता है? कॉलर जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको?
शायद कॉलर संपर्क टूट गया, अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सर, इनको विदेश में जाना नहीं चाहिए, हमारे अगर वहाँ जाते हैं तो विदेश से काला मनी ही लाएंगे, कि व्हाइट मनी नहीं कर पाएंगे उसको लाके वो तो। और हमारे देश को नुकसान है, पहले तो हमारे देश की इसमें इज्जत जाती है कि बाहर से पैसा क्यों ला रहे हैं। ये गलत है सर, ये लाना नहीं चाहिए इनको, बहुत शेमफुल है, ये करना नहीं चाहिए इनको। धन्यवाद कॉलर को, हम कहेंगे कि जरा नए तर्कों के साथ अलग अलग बात को रखें। अगले कॉलर, जय हिंद। जय हिंद भाई साहब, बोलिए। जय हिंद भाई साहब। हाँ, क्या कहना है आपको? नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है साहब कि ये देशभक्ति का पहला चैनल है जो मैं रेगुलर देख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा चौहान जी, आपने बहुत अच्छा काम कर रहे। अभी मुझे ये कहना था भाई साहब कि जैसे मैंने इनकी अरविंद केजरीवाल की वेबसाइट देखी थी आज, हाँ, जिसके अंदर इन्होंने जितने भी ये चंदे देने वाले लोग हैं उनका एक एक का नाम और कितना पैसा दिया है वो दिखाते हैं ये लोग, हाँ। क्या ये कांग्रेस और बीजेपी और दूसरी पार्टियां ऐसी करे तो कितना अच्छा है देश में। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। और हर राजनीतिक दल ने आने वाले पैसे का डिटेल तो देना चाहिए, लेकिन उस डिटेल को देने के एक तरफ तो आप अच्छा ही दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप एक ऐसी गलत परंपरा को बढ़ावा दे रहे हैं जो गलत परंपरा किसी भी देश के लिए, मैं फिर कहता हूं केवल भारत नहीं, दुनिया में 100 से ज्यादा ऐसे देश है जो ऐसे पैसों पर प्रतिबंध लगाते हैं। कॉलर, जय हिंद, बोलिए। चलिए कारणों पर नजर डालते, कॉलर को कहेंगे कि अपना कॉल कनेक्ट होते समय अपने टीवी पर बात सुनने का मोह मत रखिए, इसको कुछ सेकंड डिले आता है। कॉलर, कॉलर पे जाने के पहले कारण देखते हैं। चुनाव के लिए ज्यादा चंदा इकट्ठा करना, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ये अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए अपार धन की जरूरत होती है। भले ही वो जनता के सामने अपने आप को आम बताते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और है। यही कारण है कि दिल्ली में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल पार्टी फंड के लिए विदेशी दौरे पर निकल पड़े हैं। पिछले विधानसभा चुनावों में पैसे की कमी, पिछले विधानसभा चुनाव में अपने आप को आम बताने वाले केजरीवाल की पार्टी को पैसे की कमी हो गई थी, उसके बावजूद भी आपके उम्मीदवारों ने दिल खोल कर खर्चा किया था, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस भी भेजा था। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में हर पार्टी को एक विधानसभा चुनाव में 14 लाख खर्च करने की सीमा थी, लेकिन आपके उम्मीदवारों ने यह सीमा लांघते हुए 16 लाख खर्च कर डाले। इस बार केजरीवाल ने अपना टारगेट बढ़ाकर 40 करोड़ कर दिया है। मोदी से सीधा मुकाबला, केजरीवाल को यह एहसास हो गया है कि दिल्ली में आगामी होने वाले चुनाव में उनका मोदी से सीधे मुकाबला होने वाला है। यही सोच कर केजरीवाल सारे तिकड़म आजमा रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मोदी के नाम से अब कतराते दिखते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में केजरी धोखा खा चुके हैं। लोगों का पार्टी से भरोसा उठना, दिल्ली में 49 दिनों की सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी को देश की जनता अब अच्छे से जान चुकी है। यही वजह है कि जिस दिल्ली ने केजरीवाल को अपने पलकों पर बिठा रखा था, वो इस बार आपसे खफा है, क्योंकि केजरी कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। यही कारण है कि आपसे जनता का भरोसा उठ गया है, जनता एक बार फिर से धोखा नहीं खाना चाहती है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, बोलिए। हाँ, वो मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, केजरीवाल के जो प्रोग्राम आपने चलाया, तो ये सिर्फ जो चंदा लेने गया है ना दुबई में, ये इसलिए लेने गया हुआ है कि ताकि ये चंदा ला करके यहाँ पे पार्टी जिताए और फिर कश्मीर को अलग कर दे, यानी को पाकिस्तान को दे। दाखिल असल में चंदा पाकिस्तान से ही आएगा वहाँ पे, और इसलिए दुबई गया हुआ है, नहीं तो यूरोप में क्यों नहीं आया ये। बिल्कुल, धन्यवाद। राजनीतिक दलों के इस प्रकार के जो आरोप के केसेस हम देखते हैं, ये पहली बार या भारत में नहीं हुए है, तमाम देशों में ऐसे प्रकार के केसेस होते हैं जिसमें इलेक्शन के दौरान किसी नेता को इतना बढ़ावा दिया जाता है कि उस देश का एजेंडा चुनाव के बाद वो व्यक्ति सत्ता में आए तो इंप्लीमेंट कर सके, और सत्ता में नहीं आए तो उसके हितों की रक्षा की बात कर सके। भारत में तमाम देशों के हित हैं,
जो व्यापारिक देश है उनके हित भारत में व्यापार के दृष्टिकोण से जुड़े हैं, जो पड़ोसी देश है उनके सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर जुड़े हैं, और बाहर के ऐसे कई देश हैं जिनको भारत के साथ संबंध बनाने हैं या उनके मित्रों के संबंध जो भारत के साथ हैं उसको बिगाड़ने हैं। तमाम प्रकार के विषयों के लिए भारत में पैसा विभिन्न एम्बेसियों के द्वारा आता है और राजनीतिक दलों से लेकर सामाजिक संस्थाओं से लेकर मीडिया को, तमाम पर्सनलिटीज को दिया जाता है और उसके द्वारा ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं जिसको आम व्यक्ति, देश का सामान्य व्यक्ति टीवी पर कार्यक्रम, समाचार या किसी पार्टी के कार्यक्रम को देखकर नहीं समझ सकता। इसके पीछे का जो षड्यंत्र है उस षड्यंत्र को समझना है तो ये कार्यक्रम दिखाना जरूरी है, ऐसा मानकर हम आज का विषय आपके सामने लेकर आए हैं। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अकेले केजरीवाल साहब को भी टारगेट क्यों है? बिल्कुल, हम सबकी बात कर रहे हैं लेकिन केजरीवाल इसका सबसे ज्यादा छाप रहे इसलिए बोल रहे हैं। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या अपने कार्यक्रम में आज तक सोनिया गांधी को टारगेट किया है? अरे तो आप सुदर्शन देखते नहीं इसका मतलब। धन्यवाद, हम फालतू बकवास करने वाले लोगों को बात नहीं करने देंगे क्योंकि जिसने 600 एपिसोड हम कर चुके हैं, किसी राजनीतिक दल को हमने छोड़ा नहीं है, जो गलत करेगा उसके खिलाफ बोलेंगे भले वो किसी भी दल का हो ना क्यों ना हो। हम आज बात विदेशी चंदे की कर रहे हैं, केजरीवाल उसको सबसे ज्यादा छाप रहे इसलिए केजरीवाल आज इस विषय के लिए है। बाकी राजनीतिक दल भी अगर राजनीतिक चंदा विदेश से जमा करने की कोशिश करेंगे या जो भी कर रहे हैं उनके खिलाफ हम यही आवाज, यही सुर में बोल रहे हैं। परिणाम देखते हैं क्या हो सकता है अगर ऐसा ही चलता रहा। पार्टी का आम से खास होना, आम आदमी पार्टी भले ही अपने आप को आम बताती हो लेकिन केजरीवाल की डिनर डिप्लोमेसी से साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी अब आम नहीं रही है। 27 नवंबर को मुंबई में आयोजित डिनर विद केजरीवाल में 20,000 की थाली रखी गई थी। जिस व्यक्ति को केजरीवाल के साथ डिनर करना है उसे पहले 20,000 रुपए जमा कराने होंगे, उसके बाद केजरीवाल उसके साथ डिनर करेंगे। आम आदमी तो डिनर करने से रहा, खास ही इस डिनर को केजरीवाल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी कहीं से भी आम नहीं दिख रही है। वोट बैंक में कटौती, आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी को देख आपसे जनता का मोह भंग हो गया है क्योंकि केजरीवाल के खाने के दांत कुछ और, दिखाने के कुछ और हैं। 49 दिनों की सरकार में जनता सब देख चुकी है, यही वजह है कि आपके अपने भी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और जनता को विकास पुरुष मोदी दिख रहे हैं, इसलिए आपके वोट बैंक में कटौती होती दिख रही है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जिस डिनर डिप्लोमेसी की आड़ में जनता से पैसे उगाही कर रही है उससे भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगने वाला है, उससे भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिलेगा। अलग अलग देशों से डिनर की आड़ में पैसे की वसूली करना ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? ये तमाम बातें हैं जो आपने सोशल मीडिया के द्वारा हमारे पास कारण, परिणाम और उपाय में भेजी है। हम आपके सामने चैनल पर भी दिखा रहे हैं, साथ साथ में आप ये बातों को हमारे वेबसाइट sudarshannews.com और हमारा सोशल मीडिया में विभिन्न जो आई डीज है, फेसबुक, ट्विटर पर भी सुदर्शन न्यूज़ के आई डी पर देख सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सर, जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर, क्या कहना है आपको? सर मैं अबू धाबी से शमशाद अली बोल रहा हूँ। ये जो प्रशांत भूषण साहब कह रहे हैं कि वहाँ की जनता नहीं मानती है कश्मीर की, तो कश्मीर को अलग कर देना चाहिए। तो मान तो निजामुद्दीन भी नहीं रहे थे, जैसे हैदराबाद के जो वहाँ के क्या नाम है उनका किंग थे वो भी नहीं मान रहे थे, तो उनको भी मनाया गया था। बिल्कुल, इनको भी मना लिया जाएगा, ठीक है। और अगर कश्मीर से कश्मीर से जिसे जाना चाहे वो तो भले जा सकता है, जहाँ उसकी मर्जी वो चला जाए, लेकिन कश्मीर कहीं नहीं जाएगी, वो हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में ही रहेगी। वाह, धन्यवाद धन्यवाद। ये देशभक्ति होती है, किसी भी देश में रहने वाला भारतीय किसी भी सेंटीमीटर के जमीन को, भले वो कितने भी दुर्गम क्षेत्र में क्यों ना हो, कभी भी भारत से अलग करने की बात नहीं करेगा क्योंकि वो हमारे भारत माता के शरीर का अविभाज्य अंग है। मैं दोबारा आपको दिखाना चाहता हूं कि प्रशांत भूषण क्या कहता है। के बल पर देश में रखना हमारे देश के लिए ही घातक होगा, देश की सारी जनता के लिए घातक होगा, सिर्फ
वहां की जनता के लिए नहीं, पूरे देश की जनता के लिए जनहित में नहीं होगा। इसलिए मेरी राय ये है कि हालात वहां नॉर्मलाइज करने चाहिए, आर्मी को वहां से हटाना चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को खत्म करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि वहां की जनता हमारे साथ आए। अगर उसके बाद भी हमारे साथ नहीं है, अगर वो जनता वहां की ये चाहती है कि भाई हम अलग होना चाहते हैं, तो मेरी राय ये है कि वहां पर प्लेबिसाइट कराकर अगर वो अलग होना चाहते हैं तो उनको अलग होने देना चाहिए। तो क्या कश्मीर को अलग होने देना चाहिए? तमाम ऐसे सवाल इस वीडियो से बनते हैं जो विदेशी चंदे से लिंक होते हैं, इसलिए आज हम आपके सामने इस वीडियो को दिखा रहे हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो। हाँ हाँ जी, सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। ये मैं इतना देख रहा हूँ सुदर्शन चैनल जो है देशभक्ति से संबंधित बातों के लिए आप दिखा रहे हैं। हाँ। ये बहुत अच्छी बात है। और ये अरविंद केजरीवाल जैसे लोग हैं, मुझे लग रहा है कि विदेशी चंदा ला करके देश में क्या करना चाहते हैं। हमारे देश के अंदर जब विदेशी चंदा आएगा तो कल को हमारी राजनीति में देश की में दखल करेंगे लोग। तो जिन लोगों से चंदा ले रहे हैं फिर तो उनके लिए कुछ करेंगे, जो जनता का तो मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना ये। बिल्कुल। और जो हमारे आज की जो सरकार है, जो नरेंद्र मोदी जी देश के हित में सोचने की कोशिश कर रहे हैं, तो कल को उनके लिए थोड़ी सी परेशानियां पैदा करेंगे लोग। तो ऐसे लोगों पे विदेशी संस्थाओं से चंदा लेने के ऊपर जो है रोक लगानी चाहिए। उधर आगे प्रशांत भूषण जी हैं, जम्मू कश्मीर के लिए आज तक हमारे कितने युद्ध हो गए पाकिस्तान के साथ, और जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा रहा, अभिन्न अंग रहा, और उसके लिए आपके हमारे जो राजा हरी सिंह से भी सब कुछ समझौते हुए उस केस में कि जम्मू कश्मीर हमारा है और साइन करा लिए, उसके बावजूद ये लोग ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। इनका कोई कुछ नहीं कर रहा, प्रशांत भूषण जैसे लोगों को जो देशद्रोही टाइप के जो बयान दे रहे हैं अपने, तो इसके लिए मैं अपने यही विचार व्यक्त कर रहा था। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। जय श्री राम। जय हिंद। जय श्री राम भाई, मैं विक्रम सोलंकी गुजरात भावनगर से बोल रहा हूँ। हाँ। अरविंद केजरीवाल के ऊपर मैं थोड़ी बहुत कहना चाहूंगा कि इसकी आम आदमी पार्टी की जो बुनियाद है वो पूरी की पूरी कांग्रेस की बनाई हुई पार्टी है, और सिर्फ नाम चेंज करके ये सब दुनियादारी को दिखा रहे कि भाई ये आम आदमी पार्टी, कुछ आम आदमियों के लिए कुछ किया ही नहीं आज तक, और ऐसे ही हल्ला बोल रहे दुनिया में कि भाई कश्मीर को अलग कर दो, ये वो कर दो, सिर्फ मार्केट में बने रहना चाहते। मोदी जी ने पूरा तोड़ दिया है। धन्यवाद। राजनीति करने के बारे में ऑब्जेक्शन हम नहीं लेंगे, क्योंकि राजनीति करना भारत के संविधान के अनुसार भारत के किसी भी नागरिक को अनुमति है। राजनीति किसी के साथ गठजोड़ करने के लिए भी अनुमति है, पर्दे के पीछे हाथ मिलाने की भी अनुमति है, लेकिन दो दल पर्दे के पीछे हाथ मिलाए तो कोई आपत्ति नहीं, किसी दूसरे देश के साथ हाथ मिलाना देशद्रोह है। राजनीति कुछ भी करे तो भी चल सकती है, लेकिन वो देश के अहित में नहीं की जा सकती, क्योंकि आपके अधिकारों का हनन, दूसरे के अधिकारों का दमन नहीं हो सकता, और इसलिए आपके अधिकार वहां खत्म हो जाते हैं जहां आप दूसरे के अधिकारों पर अतिक्रमण करते हैं। विदेश से आने वाला चंदा भारत के राजनीति में, भारत के हितों में, विदाउट इंटरेस्ट, किसी भी प्रकार का स्वार्थ के बगैर कोई विदेशी पैसा देगा ऐसा हम नहीं मानते। रही बात भारतीय व्यक्तियों ने देने वाले पैसों की, तो उसकी सीमा, उसकी मर्यादाओं को देखते हुए वास्तव में आने वाला बैकडोर मनी, ये ज़्यादा बड़ा चिंता का विषय है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। केवल चेक से, सामने से या रसीद से आने वाले पैसों पर ही पार्टियां नहीं चलती, ये सब जानते हैं, इसलिए उसकी भी बात जरूरी है। कॉलर, जय हिंद। हाँ सर, जय हिंद। बोलिए। मैं केजरीवाल के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ। इन्होंने जब स्टार्टिंग की थी तो उस समय तो अन्ना हजारे को इतने बड़ा वो करके और अपने को बहुत ईमानदार दिखा करके राजनीति में आने के लिए दुनिया भर का वो करके अब विदेशों से पैसा मंगा रहे हैं। अब विदेशों से जब पैसा मंगाएंगे तो उन पैसों का विदेशी का कोई पैसा देता है तो उसका तो दुरुपयोग करेगा देश में हमारे। बिल्कुल। धन्यवाद। यही हम कह रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। सर नमस्कार। सर मेरा नाम मोहम्मद असमत आलम है। सर बोलिए। बोलिए। हेलो नमस्कार सर। हाँ। मैं सऊदी अरब से बात कर रहे हैं सर। अभी हम सुन रहे हैं कि आज कश्मीर में दंगा हो रहा, कल नक्सलवादी का हर जगह दंगा होते रहे सर हमारे देश में, आगे ऐसा कब तक चलेगा सर? धन्यवाद। इसका सवाल यही है कि जब तक बाहर का हस्तक्षेप होता रहेगा, आखिर
कश्मीर को तोड़ने के लिए पाकिस्तान इतना उतावला है, पाकिस्तान के मित्र राष्ट्र कितना बड़ा सपोर्ट पाकिस्तान को कितने लंबे समय से कर रहे हैं, और उसको सीमा पर अपना सीना चौड़ा कर पाकिस्तान की गोली अपने सीने पर झेल कर भारत माता के लिए शहीद होने वाले वीरों की संख्या जब हजारों में है, उसके बावजूद अगर भारत का कोई नेता उनकी शहादत को उनके वीरत्व को भूलकर ऐसी बातें बोलता है तो वो देशद्रोह नहीं तो और क्या है, और देशद्रोह करने के लिए आखिर प्रेरणा क्या है, दबाव क्या है, लालच क्या है, क्या वो चंदा नहीं है क्या, यह आज का सवाल है। अगले कॉलर, जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर, केजरीवाल साहब क्या दाऊद से पैसा लेने गए हैं क्या? ऐसा मुझे लगता है कि मतलब और कुछ देश के ऐसे पार्टियों के नेता हैं जो कि मतलब कश्मीर बेच करके या मतलब जो है कुछ भी कर सकते हैं, वो राजनीति में ऐसे नेता हैं जो कि देश को बेच करके भी मुसलमानों के वोट बैंक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं सर। धन्यवाद। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग अंधभक्त मिल सकते हैं जो कहेंगे कि क्या दाऊद भारत का नागरिक नहीं है, क्या भारत दाऊद भारत के पार्टी को पैसे नहीं दे सकता। इतने अंधभक्त जिस देश में है उनको उल्लू बनाना कितना आसान है, ये पिछले 65 सालों से हम देखते आए हैं। उसको अगर बदलना है तो हमें तर्कों के आधार पर, उदाहरणों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर, तर्कसंगत बातों के आधार पर इस बात को समझना होगा, उसके बाद ही किसी राजनीतिक दल को साथ देने की बात होनी चाहिए। अगर किसी राजनीतिक दल के क्रियाकलाप में देश विरोधी बातें सामने आ रही है तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए, इसका मतलब राजनीति करना नहीं, और किसी एक के खिलाफ बोलने का मतलब किसी और के लिए बोलना भी नहीं, ये केवल देश के लिए बोलना है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का है तो हिंदुस्तान का है। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जय हिंद, अनिल सिंह बोल रहा हूँ। हाँ, ये प्रशांत मुदर की बात की थोड़ी है कश्मीर जो किसी को दे दे ऐसे कर दे ऐसे कर दे। ये तो जिन्होंने शहादत दिया है इसके लिए वो जानते हैं ना कि जम्मू कश्मीर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, इससे पूछो ना इसके कितने आदमी शहीद हुए थे इसके लिए, अभी कितने लोग शहीद होंगे पूछो इसको जरा। बिल्कुल, धन्यवाद। जो लोग शहीद हुए उनके उनके बारे में आज तक एक सद्भावना का शब्द जिनके मुंह से नहीं निकला, वो उनके शहादत को तोड़कर, दूर कर अपमान कर कल्पना करिए कि जिनके बच्चे, जिनके पति, जिनके भाई इस कश्मीर के लिए सीमा पर शहीद हुए, उन परिवारों पर क्या दुख गुजरा होगा जब आम आदमी का नेता प्रशांत भूषण कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करता है। और जब आपके नेताओं को हम कहते हैं कि प्रशांत भूषण ऐसा ऐसी बात करता है, आपके पार्टी में कैसे हैं, वो कहते हैं लोकतंत्र है, उनकी अपनी निजी राह है, वो पार्टी का एजेंडा नहीं है। क्या किसी देश के किसी भी राजनीतिक दल के किसी नेता का देशद्रोही एजेंडा होते हुए भी वो किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है, नेता हो सकता है, परिणामकारक भूमिका में रह सकता है? क्या ये लोकतंत्र है? क्या इतनी गंदी व्याख्या इसकी होनी चाहिए? क्या ये स्वैराचार नहीं है? और अगर है तो इसके खिलाफ बोलने के लिए हम तैयार हैं। अगले कॉलर, जय हिंद। नमस्कार। बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम चंद्र प्रकाश शर्मा है। हाँ। मैं बरेली से बोल रहा हूँ। हाँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जो केजरीवाल अरब की संस्था से पैसे लेते हैं वो देश का भला कैसे कर सकते हैं? जो देश में 80,000 रुपए किराया देते हैं और कहते हैं मैं गरीब हूँ, मैं आम जनता हूँ, मैं आम जनता का भला करूंगा, और कहते हैं कश्मीर को पाकिस्तान में मिला देंगे, ये लोग देश का भला कैसे कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो इन लोगों को देश से निकाल देना चाहिए और इन लोगों को देश से अलग कर देना चाहिए जो देश को अलग करने की बात करते हैं। इस तरीके के नेताओं को बैन कर देना चाहिए, ये लोगों को बरगला रहे हैं, ये देश का विभाजन कराना चाहते हैं। इससे इनका भी फायदा होगा लेकिन देश की जनता का पूर्ण तरह से नुकसान होगा, और मैं ऐसे लोगों की कड़ी तौर पर निंदा करता हूँ। ऐसे लोग देश को नुकसान पहुंचाएंगे। मैं सभी जनता से अपील कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को देश से बहिष्कार करना चाहिए। हम आपको दिखाते हैं कि एक और वीडियो दिखाते हैं कि ये वीडियो भी देखकर आपको दुख होगा, चौंकेंगे और गुस्सा भी आएगा। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे, देखिए। बाटला हाउस मामले पे भी कुछ साथियों ने सवाल खड़े किए हैं। इस मामले में 2 युवाओं की और एक पुलिस ऑफिसर श्री मोहन चंद की मौत हो गई। कई लोगों के मन में शक है कि क्या उन युवाओं को
मारने की जरूरत थी या उन्हें जिंदा पकड़ा जा सकता था। अगर वो दोनों शख्स आतंकवादी थे तब तो उनको जिंदा पकड़ना और भी जरूरी था ताकि उनके मालिकों का पता लगाया जा सके, और अगर वो निर्दोष थे तो क्या दोषी पुलिस वालों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? मौके पर एक जाबांज पुलिस ऑफिसर श्री मोहनचंद की मृत्यु हो गई, वो अपना फर्ज अदा करते हुए शहीद हो गए। उनकी मौत कैसे और किन हालातों में हुई? क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करना मुसलमानों का तुष्टिकरण है? ये शायद आप केजरीवाल जानते नहीं कि जब दोनों तरफ से गोलियां चल रही है तो उस समय पर राजनीति नहीं की जा सकती, वहां पर आखिर गोली का जवाब गोली से दिया जाता है। और भारत में इतने लंबे समय से आतंकवाद चल रहा है लेकिन जीवित पकड़ा गया आतंकवादी केवल एक था, अजमल कसाब। अगर आतंकवादी को जीवित पकड़ना इतना आसान होता तो फिर तो भारत में अब तक सैकड़ों पकड़े गए होते। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी करना या लोगों के तुष्टिकरण के लिए उदाहरणों को गोल गोल शब्दों के साथ, मीठे मीठे शब्दों के साथ पेश करना, यह आसान होता है। लेकिन जहां इनकाउंटर हो रहा है, जहां पर गोलीबारी हो रही है, जहां पर एक वीर ऐसा इनकाउंटर स्पेशलिस्ट मारा जाता है, वहां पर आप ऐसी बात करते हैं? आखिर कौन चाहता है बाटला हाउस का इनकाउंटर की जांच हो? आखिर कौन कहता है कि वो युवक निर्दोष थे? आखिर वही कह रहे ना जो सीमा के पार बैठे, वही कह रहे ना जो सीमा पार से ऑपरेट हो रहे, वही कह रहे ना जो इसके द्वारा राजनीतिक लाभ चाहते हैं। क्या विदेशी चंदे का यह परिणाम नहीं है कि ऐसे शब्द नेताओं के जुबान पर हमेशा खिलते रहते हैं? कॉलर जय हिंद, बोलिए। हेलो, हाँ हेलो, शायद आवाज प्रॉपर पहुंच नहीं रहा है, हम अगले कॉलर के पास जाएंगे, कहेंगे कि जरा अच्छे नेटवर्क में आकर कॉल करें। जय हिंद, बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। हाँ सर, हम देख पा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जो है इसको तो पहले भी जनता जवाब दे चुके हैं थप्पड़ द्वारे, थप्पड़ के चलते। मैं हिंदू बाबा बिहार से बोल रहा हूँ सर। ऐसे ही आदमी इस देश को माँ के समान माना गया है, और ऐसे ही आदमी इस देश को जो है, अगर कोई नेता कह रहा है कि कश्मीर को हटा देना चाहिए तो ये अपने माँ के बारे में बोल रहा है कि अपने माँ को हटा देना चाहिए। ये देश तो अपने माँ के समान है तो ये माँ को कैसे कह रहा है कि पाकिस्तान को दे दो? ऐसे ही आदमी, ऐसे ही जनता इस देश को अपने माँ को अलग कर सकता है, तो माँ को कैसे अलग कर दे? बिल्कुल, ये लोगों में इसको लेकर जो गुस्सा है वो सामने आना चाहिए, क्योंकि लोग चुप बैठते हैं। ये जो राजनीतिक दलों के ऐसे देशद्रोही नेताओं के जो भ्रम है उसको टूटना जरूरी है। हम जरा उपाय भी आपको दिखाते हैं। फंडिंग पर रोक, सरकार को सच में भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है तो सबसे पहले सरकार को चुनाव के समय विदेशों से पार्टियों को होने वाली फंडिंग को रोकना होगा या उसे पारदर्शी बनाना होगा। जब तक इस पर कोई सख्त कदम सरकार नहीं उठाएगी देश से भ्रष्टाचार कम होने वाला नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा धांधली चुनाव के समय पार्टियों को विदेशों से मिलने वाले फंड में होती है। चंदे का पूरा विवरण जनता के सामने अपने दामन को पाक साफ बताने के लिए सबसे पहले राजनीतिक पार्टियों को चुनाव के समय मिले चंदे का विवरण देना चाहिए, क्योंकि जनता के मन में ये सवाल रहता है कि पार्टियां पैसे का गलत इस्तेमाल करती हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए पार्टियों को चंदे का सही जानकारी देना बेहद जरूरी है। चुनाव खर्च पर लगाम, चुनाव को अगर साफ सुथरा बनाना है तो सभी पार्टियों को अपने चुनावी खर्चे को कम करना होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक विधानसभा चुनाव में प्रत्येक सीट पर 28 लाख रुपए खर्च करने की सीमा है। गौरतलब है कि पिछले चुनाव में प्रत्येक विधानसभा सीट पर 7,16,744 रुपए का खर्च आया था, यानी पार्टियां निर्धारित राशि का 51% ही खर्च कर पाई थी। पिछली बार खर्च करने की निर्धारित राशि 14 लाख थी। पार्टियों को इस विषय में सोचना चाहिए। एक घंटे में हमने आपके सामने इस मुद्दे को रखने की कोशिश की। हम आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम के बाद भी सोशल मीडिया पर और जहां पर भी आप मिलेंगे इस विषय पर चर्चा करें। चुनाव सुधारों से लेकर तमाम बाकी विषयों पर इस आपके ऐसे इनपुट का उपयोग सरकार को भी होगा, समाज में जागृति होगी और इस प्रकार से खुलेआम पैसे लेने वाले लोगों पर भी लगाम लग सकेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। क्या बात,
मगर धरती। हम ही नहीं समझे यार। क्या? अरे यही कि जो लोग कहते हैं और समझते हैं वो बिल्कुल सही है। मतलब ये न्यूज़पेपर में क्या खबर पढ़ रहा हूँ मैं कि तुम ओबामा के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ने की सोच रहे हो? अरे अरविंद भाई, ये मीडिया वाले हाथ धो के पीछे पड़ गए मेरे। अच्छा, और ये स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन क्यों नहीं आया अभी तक मीटिंग में? ये बहुत गुस्से में है आपसे, एकदम भरे बैठे हैं। मैंने क्या किया भाई? वो कह रहे थे कि मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ कि कोई कंपाउंडर हूँ। ये सीएम साहब की खांसी मेरी जान लेके रहेगी। और यहाँ तक कह रहे थे कि सीएम साहब जब भी फोन करते हैं तो कहते हैं कि वो सत्येंद्र भाई एक कप सिरप लेते आना, ये वो कह रहे थे। अरे यार, मैं तो अपना आज काढ़ा लेकर आया हूँ भाई। भाई आज लाए ना। वो शरीफ भारती, वो क्यों नहीं आया मीटिंग में? उनकी तो बेल ही नहीं हुई है अभी तक। अब कल नई फिल्म कानून हमार मुट्ठी में के टिकट ब्लैक कर रहे थे, धर लिए गए। अरे यार, इसको कानून मंत्री किसने बनाया यार? भाई साहब, आप ही ने पर्ची उठाई थी जब हम लोग मंत्रियों के लिए ड्रा निकाल रहे थे। वही तो। अच्छा योगेंद्र जी, जरा बताइए हमारे आगे क्या कार्यक्रम है। हाँ, वो मैं बताता हूँ आपको कि भाई साहब, 28 को हम धरना कर रहे हैं और 29 को अगले धरने का इशू ढूंढने के लिए ओपिनियन पोल कर रहे हैं। हाँ, मैं रहूँगा। और 30 तारीख को धरना कार्यकर्ताओं के साथ आपकी खास मुलाकात है और 31 को नए कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर वर्कशॉप है कर रहे हैं। क्या क्या मतलब? कार्यशाला है। हाँ हाँ, वो तो मेरे द्वारा ही संपन्न की जाएगी। 1 और 2 तारीख को हम फिर से धरना कर रहे हैं, 3 खाली है। और 4 तारीख को हम लोग राम गोपाल वर्मा की फिल्म धरना जरूरी है के प्रीमियर पे जा रहे हैं। फिर 5, 6 और 7 तारीख। ठीक 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 है योगेंद्र जी, ये 3 तारीख खाली क्यों है भाई? अरे अरविंद भाई, उस दिन वनडे मैच के फाइनल का लाइव टेलीकास्ट होगा भाई, उस दिन हमारी नौटंकी कौन देखेगा है?